सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हेल्दी आफियत में रखे। आज हम बनाएंगे फालूदा, आइसक्रीम फालूदा, जिसके लिए मैंने ले ली हैं सेवैयाँ। इनको मैंने पानी में भिगो दिया है, ठंडे पानी में, और इनकी इंशाल्लाह आपसे मैं जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने खुद बनाई हैं। किलो लिया है मैंने दूध, एक कप लिया है मैंने चीनी का। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम डलेगी उससे और काफ़ी मीठा तेज़ हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से डालें। तीन लिए हैं मैंने रस, एक को मैंने क्रश कर लिया है, दो मैं आपके सामने क्रश करूँगी। थोड़ी सी ली है मैंने इलायची, अगर इलायची पाउडर है आपके पास तो वो डालें। इनके दाने मैंने इसमें इनको मैंने खोल के रख दिया है। दो चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा लिया है मैंने तुक बनंगा, इसको मैंने भिगो दिया था। थोड़ी सी ली है मैंने बर्फ़ी, थोड़ा सा मैं लूँगी जामे शीरी को। किलो लिया है मैंने दूध, पकाना शुरू करते हैं। हम इसमें दूध डालेंगे, जब तक दूध गर्म हो जाए, इसको उबाली आ जाए, हम क्रश कर लेते हैं अपने रस को। रस हमारे क्रश हो चुके हैं, अब इसमें डालूंगी चीनी, इलायची, अब इसमें डालूंगी रस का चूरा जो हमने क्रश किया था। कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के इसको मिक्स किया है मैंने, आप दूध भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे हम। इसकी गुठली ना रहे कोई। अब साथ ही इसमें डालते जाएंगे, और आपने चमचा भी हिलाते जाना है। इसको थोड़ा सा हम थिक करेंगे, ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर तो कर देंगे लेकिन हमें थोड़ा सा थिक चाहिए। नहीं थिक चाहिए, अब इसका हम फ्लेम कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब दूध ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बर्फ़ी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखें थिक हो गया। उसके बाद ये जलियाँ मैंने बना ली थी, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसको बना के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको पहले हम डालेंगे
रुबज़ा ये सेवैया अब जो दूध तैयार किया था वो हम डालते जाएंगे अब क्या करेंगे हमने जेलियाँ डालनी है उसके बाद हम डालेंगे आइसक्रीम तैयार है आइसक्रीम फालूदा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़